जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आपको भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज से हम सामाजिक विज्ञान की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज से हम क्लास 10th सोशल साइंस का सफाया करने वाले हैं। पिछले वर्ष के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं सबका हम लेक्चर बाई लेक्चर खात्मा करेंगे, ठीक है। बस आप सभी को पर डे क्लास में जुड़ना है, ठीक है। और एक एक प्रश्न सीधा आपके दिमाग में जाएगा, रटना तो बिल्कुल आपको पड़ेगा ही नहीं, ये बात समझ लो, क्योंकि ये आंसर जो आपको मिलेंगे ना, ये किसी का कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं मिलेगा, ये मेरे खुद के बनाए हुए आंसर होंगे और इतने सरल आंसर होंगे कि सीधा आपके दिमाग में जाएगा, रटने की ज़रूरत तो बिल्कुल आपको नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आज से कई दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें दोस्तों मैंने सामाजिक विज्ञान के टोटल 115 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे जो पिछले वर्ष बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, करीब 4 से 5 साल के पुराने प्रश्न, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में प्रतिवर्ष वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो दोस्तों ये 115 क्वेश्चन जो हैं, मैं आपका पर डे 5-5 प्रश्न कराऊंगा, जिसमें कुछ दीर्घ उत्तरी, कुछ लघु उत्तरी, कुछ अति लघु उत्तरी रहेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम 20 से 25 दिन में सारे क्वेश्चंस का सफाया कर देंगे और बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे। बस आप सभी को पर डे क्लास में जुड़ना है। तो चलिए दोस्तों आज की शानदार क्लास को शुरू करते हैं और सामाजिक विज्ञान के 5 प्रश्नों को देखते हैं। बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना और अंतिम में बताना है कि एक क्वेश्चन रटने की ज़रूरत तो नहीं है ना, सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा अंतिम तक में, देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई, दो कारण बताएं। देखिए कपड़ा निर्यात, सबसे पहले निर्यात शब्द का अर्थ मैं बता दूं दोस्तों। देखिए निर्यात क्या होता है कि जैसे हम अपने देश से कोई सामान दूसरे देशों में भेजते हैं या दूसरी जगह पे भेजते हैं तो वो कहलाता है निर्यात, और आयात क्या कहलाता है कि दूसरे देशों से कोई सामान हम अपने देश में मंगा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम भारत के लोग हैं और क्या कर रहे हैं कि दूसरे देश से यानी तेल वगैरह पेट्रोल वगैरह हम अपने देश में मंगा रहे हैं तो इसका हम आयात कर रहे हैं, जबकि हम अपने यहाँ से कोई चीज़ बेच रहे हैं जैसे पानी दूसरे देशों में भेज रहे हैं तो हमारा निर्यात है, ठीक है ना। तो सवाल ये कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में भारत से जो कपड़ा का निर्यात होता था, अर्थात भारत के सूती कपड़े जो विदेशों में बेचे जाते थे, उनमें गिरावट आखिर क्यों आई, ठीक है, यानी उनकी मांग क्यों कम हुई, वो कपड़े कम बिकना क्यों शुरू हुए, और दो कारण आपको बताने हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत वस्त्रों के लिए दुनिया के प्रमुख निर्यात बाज़ारों में से एक था। देखिए क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपको बेसिक बनाना है, एक भूमिका बनानी है, तभी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो देखिए ये 18वीं शताब्दी के अंत की बात कर रहा है और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत जो था कपड़ों के लिए दुनिया में एक विश्वविख्यात बाज़ार के रूप में था, यानी भारत जो है कपड़े की दृष्टि से नंबर 1 पर आता था। परंतु धीरे धीरे हुआ क्या कि जैसे 19वीं शताब्दी की ओर हम जाने लगे, यानी 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत क्या हो गया कि अपना पूरा निर्यात बाज़ार और घरेलू बाज़ार का ज़्यादातर हिस्सा खो दिया था। अब ज़्यादातर हिस्सा खो देने का मतलब ये है कि भारत से जो कपड़ों का निर्यात होता था वो एकदम कम हो गया 19वीं शताब्दी के मध्य तक जाते जाते, ठीक है, ये हमने भूमिका बना दिया। उसके बाद लिखेंगे 18वीं सदी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट आने के पीछे कई कारण थे। सबसे पहले ऐसे लिखना है, 18वीं सदी के अंत में कपड़ा निर्यात में गिरावट आने के पीछे कई प्रमुख कारण थे जो कि इस प्रकार हैं, ठीक है। अब देखिए ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, 6 अंक का आया है, तो कम से कम 4 से 5 कारण तो आपको लिखना ही है। तो पहला कारण हमने लिख दिया, विदेशी कंपनियों ने भारतीय कपड़े की मांग को धीमा कर दिया। अब धीमा कैसे किया वो आगे बताएंगे, क्योंकि भाई देखो विदेशी कपड़े मशीनों से बनाए जाते थे। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ चरखे से कपड़े बनाए जा रहे हैं और विदेशों में वही कपड़ा मशीन से बनाया जा रहा है तो किसको ज़्यादा फायदा होगा, भाई मशीन वाला ज़्यादा उन्नति करेगा क्योंकि वो कम मेहनत में ज़्यादा कपड़ा प्रोड्यूस करेगा। वहीं पे भारतीय बुनकर क्या करते थे, मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और बड़ी मुश्किल से एक कपड़ा बनता था, लेकिन होता क्या था वही कपड़े उचित रेट में नहीं बिकते थे क्योंकि भाई विदेशी कपड़े जो आते थे वो मशीनों के बने हुए रहते थे, दिखने में भी अच्छे रहते थे, आकर्षक लगते थे और सस्ते रेट पर भी मिल जाते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विदेशी कपड़े मशीनों से बनाए जाते थे जिससे श्रम यानी मेहनत और समय दोनों की बचत होती थी, साथ ही वह कपड़े भारतीयों की तुलना में सस्ते भी होते थे, साथ ही भारतीय बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि भाई भारतीय तो चरखे थे, भारतीय लोग जो थे वो चरखे से बुनाई करते थे, उनके पास तो कोई दूसरा चारा था नहीं, इसलिए वो जो है उनका कंपटीशन नहीं कर पाए। ये पहला कारण हुआ, इसलिए गिरावट आई कपड़े निर्यात में। दूसरा कारण क्या है
कि ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास ने, यानी ब्रिटेन में कपास के उद्योग का विकास होने लगा, वहाँ पर भी कपास उगाई जाने लगी, या कह लो कोई दूसरे तरीके से कपास बनाया जाने लगा, तो हुआ क्या कि भारत में वस्त्र उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए, जब वो कपास नहीं बनाते थे तो भारत से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ पे कपड़े बनाते थे, लेकिन जब वो कपास उद्योग का भी विकास कर लेने लगे तो वो भारत से कच्चा माल भी नहीं ले जाते थे, वो खुद की कपास बनाते थे और खुद से कपड़े बना लेते थे, क्योंकि धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियों ने भारतीयों की कच्ची सामग्री खरीदना भी बंद कर दिया, अर्थात जो कच्चा माल ले जाते थे उसको भी उन्होंने परचेज करना बंद कर दिया। तीसरा लिखेंगे, ब्रिटिश माल का निर्यात भारत में बढ़ गया। अब ब्रिटिश माल का निर्यात भारत में बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि विदेशी कपड़े जो हैं वो भारत में खुद आने लगे। क्यों आने लगे? क्योंकि भारतीय लोग, विदेशी कपड़े जो थे वो सस्ते होते थे, तो भारतीय लोग भी क्या करने लगे, भारत में वो कपड़े खरीदने लगे, और इसीलिए भारत के बुनकरों पर और बुरा प्रभाव पड़ा। चौथा लिखेंगे, ब्रिटेन ने सूती कपड़ों पर आयात शुल्क लगा दिया। और ब्रिटेन जो है उसने अपने देश में क्या नियम बना दिया कि जो हमारे यहाँ सूती कपड़े मंगाएगा भारत से, उसे टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा, और जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत से सूती कपड़ों को नहीं मंगवाता था। ठीक है, ये भी कारण हुआ गिरावट होने का। पाँचवा कारण लिखेंगे, ब्रिटिश औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण का मतलब ये है कि मशीनों का विकास हुआ, नए नए धंधे विकसित हुए, कारखाने खुले ब्रिटिश में। ठीक है, तो हुआ क्या कि भारतीयों के वस्त्र उत्पादन की वृद्धि में कमी ही, यानी ब्रिटिश में उद्योग बन गए, मशीनों का आविष्कार हुआ और भारतीय वस्त्रों के उत्पादन की वृद्धि में कमी। क्योंकि देखिए, भारतीय वस्त्र के उत्पादन की स्पीड जो थी वो कम थी, क्योंकि भाई कितना बना पाएंगे कपड़ा, एक लिमिट भर ही तो बना सकते हैं ना, इसीलिए इनकी स्पीड धीमी थी। और 18वीं शताब्दी में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट आने के यही प्रमुख कारण थे, क्योंकि भाई देखिए, कपड़े समय से बन नहीं पाते थे और कपड़ों की मांग भी जब कम हो गई तो कपड़ों बनाने वाले बुनकरों का भी मन नहीं लगता था, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं होता था। ये था आपका पहला प्रश्न, उम्मीद करता हूँ सीधा दिमाग में गया होगा और इसे एग्जाम में ऐसे ही बना बना करके आप लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं दो प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहा था, ये 3 से 4 पेपर्स में लगातार पूछा गया है। तो 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने 19वीं सदी में जो 2-3 प्रवाह हमें बताए थे वो कौन से हैं, ये स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने मुख्यतः 3 तरह की गतियों या प्रवाहों को बताया था। प्रवाहों को ही गति कहते हैं, 3 तरीके के प्रवाह उन्होंने बताए थे, लेकिन यहाँ पर हमसे 2 पूछा गया है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा तीनों, क्योंकि भाई देखिए, यहाँ पे 2 है, क्या पता आपके पेपर में 3 पूछ ले, इसलिए आपको तीनों पता होना चाहिए, जिनमें से 2 प्रवाहों का उल्लेख इस प्रकार है। तो देखिए, जो 3 प्रवाह बताए थे दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में 2 पूछा जाए तो आप 2 लिखेंगे, 3 पूछेगा तो 3 लिखना है। उसमें से पहला प्रवाह था व्यापार का प्रवाह, इसमें लिखेंगे, यह प्रवाह 19वीं शताब्दी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा, गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। यानी व्यापार का प्रवाह जो है ये केवल व्यापारिक वस्तुओं जैसे कपड़ा, गेहूं इत्यादि तक ही सीमित रहा, ज़्यादा दूर यह नहीं फैला 19वीं शताब्दी में। ठीक है ना, यानी कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। बस आपको यही लिखना है कि यह प्रवाह 19वीं शताब्दी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा है श्रम का प्रवाह, इसमें लिखेंगे, इस प्रवाह में लोग काम या रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। श्रम के प्रवाह में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम की तलाश में जाते हैं। तीसरा प्रवाह बताया था विदेशी अर्थशास्त्रियों ने, बताया था पूंजी का प्रवाह, इसमें लिखेंगे, इस प्रवाह में अल्प माने कम एवं दीर्घ माने ज़्यादा, कम एवं ज़्यादा अवधि माने समय के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में निवेश किया जाता है। मतलब दूर दूर के एरिया में लोग कम से या ज़्यादा समय के लिए खर्चे करते हैं, निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है ना, पूंजी के प्रवाह में ये 3 प्रवाह हैं दोस्तों, इनको आप चाहे रट लें, वरना रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आपको लिखना है कि यह प्रवाह 19वीं शताब्दी में गेहूं और कपड़ा तक सीमित रहा, और श्रम का प्रवाह जो है श्रम की तलाश में यानी काम की तलाश में लोग दूसरे स्थान पर जाते थे, और पूंजी का प्रवाह मतलब पूंजी लोग खर्च करते थे कहाँ पर, दूर दराज क्षेत्रों में। ठीक है, बस ऐसे आपको लिख देना है। देखिए, तीसरा प्रश्न है आपके सामने, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इसको कैसे करेंगे? देखिए, भारत में राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल विचार यह है। विकेंद्रीकरण क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, विकेंद्रीकरण ये है दोस्तों कि जो केंद्र एवं राज्य की सरकारें हैं, केंद्र एवं राज्य स्तर की जो सरकारें हैं, उनसे शक्तियाँ जो हैं किसको प्रदान की जाएँ, स्थानीय स्तर की सरकारों को, यानी प्रधान जी को, या कह लो जो नगर पंचायत के सदस्य हैं या जो जिला के जो है अधिकारी हैं, उनको अगर शक्तियां प्रदान की जाएं, यानी स्थानीय स्तर के सरकारों को जब केंद्र एवं राज्य सरकारों से शक्तियां प्रदान की जाए, तो ये प्रक्रिया विकेंद्रीकरण कहलाती है। ठीक है ना, तो आपसे ये पूछ रहा है कि राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी, आखिर विकेंद्रीकरण के पीछे क्या जो है राय थी, विकेंद्रीकरण से क्या परिवर्तन आया, आपसे ये पूछ रहा है, और विकेंद्रीकरण क्यों किया गया, मेन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे, भारत में राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल विचार यह है कि केंद्र सरकार से शक्ति और निर्णय लेने का अधिकार जो है, यानी जो केंद्र सरकार शक्ति और निर्णय लेती है, यानी केंद्र सरकार के पास जो पावर होती है और किसी टॉपिक पर निर्णय लेने का अधिकार जो होता है, वो निचले स्तर की स्थानीय सरकारों जैसे राज्यों की सरकार, जिलों की सरकार और गांवों की सरकार को दिया जाए। गांवों की सरकार को इसलिए दिया जाए जिससे ये हो दोस्तों कि शक्ति का संतुलन बना रहे, यानी सभी सरकारें अपने आप में भरपूर रहें, पर्याप्त रहें, और दूसरा केंद्र सरकार निरंकुश ना हो। भाई अगर एक व्यक्ति के पास पूरी ताकत रहेगी तो वो घमंड तो निश्चित ही करेगा, अगर केंद्र सरकार के पास ही पूरी ताकत रहेगी तो फिर जो है उनको क्या होगा, निरंकुशता की ओर वो अग्रसर होंगे। इसलिए शक्तियाँ अगर अलग अलग स्तर पर बंटी रहेंगी तो किसी एक के ऊपर पूरा जोर नहीं रहेगा, इसलिए हर व्यक्ति अपने हिसाब से कानून बना पाएगा। तीसरा लिखेंगे, अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकेगा, क्योंकि भाई देखिए, जब स्थानीय सरकारों को शक्तियाँ मिल जाएंगी तो स्थानीय स्तर पर ही वो किसी भी समस्या का समाधान हो जाएगा, लोगों को उच्च स्तर पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये है विकेंद्रीकरण के पीछे के तीन मूल सोच। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि आप लोग कहेंगे तो मैं PDF आपको इसका प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चौथा देखिए, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी सत्ता के बंटवारे जो केंद्र और राज्यों के बीच जो सत्ता की बंटवारा किया गया है, यानी केंद्र को कुछ अलग शक्तियाँ दी गई हैं और राज्य स्तर की सरकारों को जो कुछ अलग शक्तियाँ दी गई हैं, इनकी विशेषताएँ आपको बताना है कि इससे हमें क्या बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधायी अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, यानी जो कह लो जो शक्ति है, जो पावर है हमारे संविधान में, उसको 3 स्तरों पर बांटा गया है। ठीक है, देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची में क्या करते हैं, केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है, और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो सत्ता का बंटवारा किया गया है, यानी जो 3 भागों में शक्तियों को बांटा गया है, इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, इसकी विशेषताएं आपको बतानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की 2 विशेषताएँ इस प्रकार हैं। 2 विशेषताएँ पूछी गई हैं तो 2 ही लिखेंगे। पहला लिखेंगे राज्य सरकार राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों जैसे पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई इत्यादि पर समयानुसार कानून बनाती है। यानी जो राज्य सरकार होगी वो राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर समय के अनुसार कानून बनाएगी, और जो संघ सरकार होगी, केंद्र सरकार जो होगी, वो संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों जैसे बैंकिंग हो गया, प्रतिरक्षा हो गया, विदेश हो गया, संचार हो गया, मुद्रा इत्यादि पर कानून बनाती है। ठीक है, जिससे होता क्या है कि समय अनुसार उचित कदम उठाए जाते हैं और कानून व्यवस्था अच्छे से चलती रहती है, और राज्य सरकार भी राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बनाती है जिससे समस्त योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल पाता है। ठीक है ना, और सभी विभाग जो हैं, सभी सूचियाँ और सभी जो विभाग हैं वो अच्छे से चलते रहते हैं, सारे कार्य समयानुसार होते रहते हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज की इस वीडियो का सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों 6 अंक में पूछा जाने वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और ये 4 से 5 सेट में प्रतिवर्ष पूछा जाता है। ये है दोस्तों, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें, यानी मृदा यानी मिट्टी जो है एक संसाधन है, कैसे है ये आपको बताना है, तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 3 प्रकार की मिट्टियों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे, मिट्टी एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति ने इसको हमें दिया है।
आगे लिखेंगे, यह वनस्पति उत्पादन का साधन है तथा इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाश्म होते हैं। ठीक है, सड़े गले पदार्थ जीवाश्म वगैरह मिट्टी में होते हैं। आगे लिखेंगे, मिट्टी में उत्पन्न होने वाले अन्न से ही प्रतिवर्ष लोगों को भोजन एवं पोषण सामग्री इकट्ठा करने में आसानी होती है। देखिए, एकदम सिंपल शब्दों में बना बना करके लिखना है कि मिट्टी में उत्पन्न होने वाले अनाज से ही प्रतिवर्ष लोगों का पेट भरता है। आगे लिखेंगे, साथ ही मृदा पर ही कई तरह की कृषि करके हमारे भारतीय किसान उन्नति कर रहे हैं, यानी इसी मिट्टी पर ही खेती करके हमारे भारतीय किसान लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मिट्टी एक उत्कृष्ट संसाधन है, एक अच्छा संसाधन है, उन्नत संसाधन है। भारत में कई प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं। देखिए, हमने मिट्टी का संसाधन के रूप में उल्लेख यहाँ तक में कर दिया है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि भारत में पाई जाने वाली किन्हीं तीन प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करो। तो लिखेंगे कि भारत में कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा। ये भारत में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख मिट्टियाँ हैं। तो तीन प्रमुख मृदाओं का वर्णन हमको करने के लिए बोला गया है। तो लिखेंगे, तीन प्रमुख मृदाओं का वर्णन इस प्रकार है। आपके एग्जाम में दो का कहेगा तो दो का करना, चार कहेगा तो चार का वर्णन करना। ठीक है, तो देखिए, पहला लिखेंगे जलोढ़ मृदा। इसमें लिखेंगे, लगभग भारत के समस्त उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा का बना है। भारत का ठीक है, यानी भारत का पूरा उत्तरी मैदान जो है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इधर हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये भारत का जो पूरा उत्तरी मैदान है दोस्तों, ये जलोढ़ मृदा का बना है। किसका बना है? जलोढ़ मृदा का। और यह मृदा हिमालय के तीन नदी तंत्रों, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों यानी अवसादों से निर्मित है। यानी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एवं सिंधु नदी जो मिट्टियाँ या कह लो जो कुछ भी बहा करके लाती हैं, उसी से ये जलोढ़ मृदा बनती है। ठीक है, और यह बहुत उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। यह मृदा गेहूँ, गन्ने, चावल और अन्य अनाजों तथा दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जलोढ़ मृदा जो है, गन्ने, चावल, गेहूँ, अन्य अनाजों तथा दलहन फसलों की खेती के लिए उन्नत है। और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर कहते हैं, ये लाइन याद रखिएगा, इससे MCQs भी बन सकते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर एवं नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब पुरानी नवीन क्या है? जैसे कोई जलोढ़ मृदा पिछले वर्ष के बहाव में बनी थी तो वो पुरानी हो गई, और जो नई नई नदी अभी बहा करके लाई है और उससे जो नई मिट्टी बनी है वो खादर है। ठीक है, अब देखिए, अगली प्रकार की मिट्टी है काली मृदा। इसमें लिखेंगे, काले रंग वाली इस मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगर मृदा। और कपास की कृषि के लिए उपयोगी यह मृदा दक्कन के पठार क्षेत्र के, यानी दक्कन का पठार जो है उसके उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। और देश के महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में भी काली मृदा पाई जाती है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पठार में भी काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला है दोस्तों लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा में देखिएगा, लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यानी लेटराइट मृदा जो है दोस्तों, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, उन एरियाज में विकसित होती है। और यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। निक्षालन का परिणाम मतलब ये है दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती रहती है तो ऊपरी परत जो है कट करके बह जाती है और जो नई मृदा बनती है वो होती है लेटराइट मृदा। ठीक है, निक्षालन मतलब चलने के उपरांत, बहने के उपरांत जो बने। ठीक है, और इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है मात्रा। ठीक है, ये मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। ये भारत के दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, यानी ये समझ लो कि दक्षिणी राज्यों और पश्चिमी राज्यों में कुछ हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया और उड़ीसा, ये भी आपका दक्षिणी राज्य में चला जाएगा। यानी ज़्यादातर ये लेटराइट मृदा जो है दक्षिणी राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, पूरे राज्य में नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इस तरीके से दोस्तों आज का ये वीडियो फिनिश हुआ। टोटल 5 क्वेश्चन मैंने आपको फिनिश कराए हैं और इसको आप लोग लिख लीजिएगा और रिविज़न कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार करें। और पार्ट 2 तभी आएगा जब इस वीडियो में 20 से प्लस लाइक हो जाएंगे, या कह लो 20 नहीं 200 प्लस, मैं 20 बोल रहा हूँ, बताइए 20 तो अभी हो गए होंगे, 200 प्लस लाइक होने चाहिए, तभी मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। आप सभी लोग, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके देख लीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।